गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड अभी बस ब्रेकफास्ट की ही तैयारी चल रही है। ब्रेकफास्ट या लंच, तो हम लोगों से पूछा जाता है कि आप सुबह सुबह रोटी क्यों खाते हो। सो गाइस, हमारे घर क्या है, ब्रेकफास्ट और लंच जो होता है वो थोड़ा हम 12 बजे के अराउंड ही कर रहे होते हैं। तो 12 बजे फिर हम सोचते हैं कि रोटी ही खा लेते हैं, जो भी हमारे मतलब पापा के लिए जाने के लिए खाना बना होता है, हम इसलिए सोचते हैं हम वो ही खा लें। उसके बाद जो दोबारा लंच होता है, गर्मी की वजह से हम समटाइम्स स्किप कर रहे हैं या फिर बहुत लेट खा रहे हैं, तो इसलिए हमारी बेसिक रूटीन है। हम सोचते हैं सुबह सुबह ही से एक बार रोटी खा लेते, बाकी आगे देखी जाएगी। तो आज तो बन रही है भिंडी, बस अभी पापा भी आने वाले हैं। सो गाइस, आइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। अभी बस खाना ही खा रहे हैं, तो बताया था भिंडी की सब्जी है और साथ में रोटी। पापा भी बस यहीं पर बैठ के खा रहे हैं और मम्मी अभी मासी से बात कर रही है, तब तक हम अपना लंच कर लेते। लंच के ब्रेक ब्रंच ही हो गया है हमारा तो। जी हाँ जी। हाँ, कौन सा बदला ले रही हो मुझसे? क्यों? आज तो छुट्टी है, आज तो सोने दो, इतनी जल्दी उठा। मैंने सोने दिया, मैं उठाने आई, मैंने कहा नहीं मम्मी मन्नू को रहने दो, आज ऑफ है वेडनेसडे, सोने देते हैं मन्नू को। अच्छा, तो इसलिए मैंने आपको उठाया ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो अपने आप जब उठना होगा उठ जाएंगे, पर अब लेट हो गया था, मैंने कहा तो उठाऊ कुछ खाए पिए। अब भिंडी बनी है आपकी फेवरेट? ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, सीधा भिंडी। मतलब जो खाना खाओ बता दो, और क्या खाना है? चलो देखता हूँ चल रहा है। फिर आज बुधवार है, आज जहाँ बोलो अभी तो गर्मी है, जाएंगे तो रात को ही जाएंगे, मतलब 7 बजे के बाद ही कुछ मुझे बता देना जहाँ चल रहा हूँ, मैं चलूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, अभी तो घर के काम वाम निपटा रही हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, फिर देखते हैं कहीं चलते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, गर्मी में मन भी तो नहीं करता कहीं जाने का। वही बस अभी कपड़े सुखाए, धुल गए थे, तो मैंने कहा साथ साथ अभी सुखा देते, धूप भी इस साइड पे नहीं आ रही, पेड़ की वजह से ना यहाँ पे ना गाइस धूप बच जाती है। सुबह सुबह आ रखी होती है बट दोपहर के बाद ना पेड़ की वजह से धूप यहाँ पे नहीं आ पाती, तो मेरे को होता है कि डायरेक्ट धूप में कपड़े ना सूखे, ऐसे में सूख जाए, बिकॉज गर्मी है। अभी आधे आधे घंटे में सारे के सारे कपड़े सूख जाएंगे, मोस्टली तो नाइट सूट्स ही होते हैं, वही धोने होते हैं। बाकी सूट्स वगैरह जो भी मेरे होते हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मैं मशीन में वॉश नहीं करती हूँ उन सबको। ऊपर आई थी तो मैंने सोचा चादर चेंज कर देती हूँ, जाने से पहले चादर बिछाई थी, अब 4-5 दिन हो गए थे चादर चेंज करी, तो मैंने आज सोचा नई चादर का ही उद्घाटन कर देते हैं। सो कल 2 चादरें आई थी, उसमें से 1 चादर ये वाली है गाइस, बहुत बहुत सुंदर लग रही है, कलरफुल सी है। मेन जो मुझे इसमें पसंद आया था ना वो ये वाली फ्रिल की डिटेलिंग पसंद आई थी जो पिलो कवर्स में है, इससे ना बहुत ही क्यूट क्यूट से पिलोज लग रहे थे, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। बाकी ना मैंने यही सोचा अब ना मैंने कुशन कवर्स जो है ना इसके भी अलग अलग ले आऊंगी, बिकॉज अब ब्राउन के साथ ब्राउन ना वो हो रहा है, इस पर ब्लू होता है ना तो बहुत ज़्यादा खिलता। अब जैसे जैसे चादर है ना कॉम्बिनेशन में, मैं अब 3-4 ये भी इकट्ठे कर लूँगी कुशन कवर्स, सो दैट अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे बेड पे कुशन कवर्स भी। और क्या कहते हैं मुझसे आप सब प्राइजेस पूछ रहे थे गाइस कि चादर आपको कितने की पड़ी है, सो ये वाली हमने जितनी भी चादर ली है हम लोगों को 500 रुपीज़ की पड़ी, वैसे इसका चादरों का प्राइस ज़्यादा था, बट हमने 7 ली थी तो 7 चादरें थी, तो इसी वजह से उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था, तो हमने कहा चलो ठीक है 7 चादरें आगे 500 की हमें मिली हैं, जिसमें से 3 या 4 चादरें तो सचदेवा ब्रांड की थी, तो जिन लोगों को पता होगा सचदेवा ब्रांड की चादरें बहुत बहुत अच्छी निकलती है। और हमने ना जो भी चादरें ली है ना मोटी ली है, मेरे को ना जितनी भी चादरें मतलब मिली है घर से मिली है, मासियों से मिली है, मेरी सिस्टर इन लॉ से मिली है, मुझे चादरें अभी तक ऐसी ही मिली है, अभी ये 2 चादरें मम्मी ने दिलवा दी, तो अभी तक तो मैंने अपनी साइड से कोई भी चादर नहीं खरीदी। तो बाकी ना चादरें कई होती थी हल्की होती थी, केसमेंट की चादर एक मम्मी ने मुझे दी थी, केसमेंट की चादर ना बिल्कुल टिकी हुई थी, हिल नहीं रही थी अपनी जगह से, बाकी मैं कोई भी चादर बिछा लूँ हिल जाती थी, तो मैंने मम्मी को मतलब कहा था मम्मी, तो मैंने उन्हें बोला मैं कम मोटी चादर लेंगे केसमेंट वाली, केसमेंट वाली देखने गई, बट वहाँ पे केसमेंट वाले पे ना डिज़ाइन इतने अच्छे अच्छे नहीं थे, तो हमने कहा कोई और मोटे कपड़े में दिखाओ भाई, तो ये बहुत मोटे कपड़े वाली है, कॉटन में है बट थोड़ा थिक है जो टिका रहे, बाकी अभी बिछाई है, बिछाने के बाद अभी थोड़ा कोई बैठे बैठेगा तो पता चलेगा कितनी टिकती है कितनी नहीं टिकती। सारा घर का काम निपटा कर पानी वानी भर कर लंच करके ऊपर आई थी, तो थोड़ी देर बाद देखा परी भी आ गया ना, परू चाची जी मिलने आए ऊपर हैं, चाची को मिस कर रहे थे, परी को चाची भी मिस कर रही थी हैं, परी को तो मिस कर रहा, कल तो परी घूमी घूमी गई थी ना, ओ कहाँ कहाँ घूमे, भोजन चिज्जी खाई, आपने तो बलून भी लिया था ना, चाची को सब पता है आपने बलून लिया था, अच्छा चाची को गली पा दे,
चाची को गली कर देना बाबू। अच्छा गली तो पारी रखी, पारी कर दो फिर। परू अभी एकदम सही थी, कैमरा ऑन होते से कुछ हो जाता है, कैमरा कॉन्शियस हो जाती है ये। अच्छा सुनो परू, ने आइसक्रीम खा ली है? चाची खाए आइसक्रीम? चाची और परी खाए आइसक्रीम? अच्छा ठीक है, चलते हैं ठीक है, नीचे दादी पास चलते हैं फिर आइसक्रीम खाते हैं। ओके चलो, परी पैरी कर दो। मैं भी कर दूँ? कहाँ है आपके चीक्स, कहाँ है? छोटा सा बाबू ऊँचा, चलो नीचे चलते हैं ठीक है, उठो। क्या खाई? किसमें से खाई थी दिखाओ? मैंने दो रस खाए हैं। अच्छा दो रस खाए हैं, वेरी गुड। हाँ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी का इतना फोन आ रहा है, तुम फोन नहीं उठा रही? मुझे पता नहीं चला, अभी आप आ रहे हो तो बता। आपने लाल पीली दाल बनाई है ठीक है? चलो बढ़िया, फोन में बात कर लो। इतना फोन मुझे भी फोन कर रहा है आपकी मम्मी ने कि वो अगली है। अच्छा मैं की फोन नहीं उठा रही, कैसे हो गया? चलो ठीक है कर देती है। क्या कर क्या कर रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो? क्या कहती है दादी, डम डम करो। परी कहती है दादी, परी डांस करके दिखाइयो। दादी कह रही है डम डम करो, मैं डांस करूंगी। अच्छा सलाद भी कट कर लिया, मैं सोचा चुकंदर भी कट कर लेती, पापा लाए हुए थे तो वो भी कट कर लिया। पापा ये लो रोबजा, ये लो भाई, अभी भी बस बना के रखी थी। परी पिएगी रोबजा? चाची परी के लिए भी ले आती है ना। टूटू रस खा लिया? हाँ टूटू रस खा लिया। परी तो प्यारा बच्चा हो गया ना, प्यारा बच्चा है, पीती है। हाँ ये चादर हमें मम्मी गिफ्ट कर रही है एनिवर्सरी पे। ये वाली सुंदर है, ये वाली परी कैसे होल्ड कर रही है? चादर मैं गिफ्ट कर रही हूं, चादर पूजा गिफ्ट। हां मम्मी ने तकलीफ बहुत कर रहे हैं भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो इतनी तकलीफ? दो चादर जब तो एक चादर परी के मम्मी पापा के लिए और एक चादर परी के लिए। दादी कह रही है एनिवर्सरी है तो चलो हमने कुछ हम एक ओए होए एक चादर मम्मी पापा को दे देंगे। हां परी ठीक है परी, चादर पसंद आई है वाली? ठीक है और दूसरी कौन सी चादर? ये एक चाची ने दी है परी को, वो मन्नू मन्नू है गेट पे ना। चाचू आ गए, चाचू आ गए, परू चाचू आ गए, चाचू आ गए, चाचू मेरे एक परी, एक पूजा ने दिया एक मैंने दिया। वो पहले दी थी मम्मी की है, ये पूजा ने दिया। सही लगी है ना आपको? थैंक यू पूजा। थैंक यू क्या बोलना। हाँ बस अभी डिनर ही कर रही हूँ, ऊपर ही आ गई थी, साथ साथ ये मूवी देख रही हूँ, हनीमून मूवी, पंजाबी मूवी अच्छी है काफी। आधी देख ली थी, आधी रह गई थी, मैंने कहा चलो अभी कंटिन्यू करती हूँ, तो मूवी तो बहुत सही लगी। बस डिनर तो हो ही चुका है, एंड आज पहले मन्नू ने ना मुझे बोला था कि आज हम घूमने चलेंगे, बट लास्ट मिनट में मन्नू का प्लान कैंसिल हो गया। मन्नू कह रही थी मुझे ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है गाइस, तो गर्मी की वजह से थोड़ा हो ही रहा है हर एक के साथ, थोड़ा सा ना क्या कहते हैं बॉडी ऐसे वीक वीक सी लगने लग जाती है। एंड मजे की बात यह है कि हम लोगों के ना फ्लोर का एसी बहुत बहुत परफेक्टली चल रहा है, अब हमें थोड़ा होता है मौसम मिजाज थोड़ा गाइस ठीक भी हो चुका है, बिकॉज आज बाहर आंधी तूफान हो रहे हैं, वो मेरे को लग रहा है सही मौसम हो रहा है, धूप नहीं है ज़्यादा बाहर, मतलब शाम के बाद थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो उसके बाद सही चल रहा है एसी आज। अच्छा हमें वो पहले वाला एसी लग रहा है, तो काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप टॉप फ्लोर पे हो तो आपको स्प्लिट एसी लगवाना चाहिए, विंडो एसी काम नहीं करेगा, एक
देख कर आया था कि हमारे फ्लोर में तो विंडो एसी काम कर रहा है, बट गाइज अब हमारे फ्लोर में भी विंडो एसी काम कर रहा है। बीच में गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई थी, बट अब हमें नहीं लग रहा कि एसी काम नहीं कर रहा। बाकी अगर हमें आगे कभी लगेगा, अब ये सीजन तो ऑलमोस्ट मतलब मई जून की गर्मी ज्यादा होती है, उसके बाद तो बारिश ही आ जाती है। अगर अगले सीजन हमें लगेगा कि हमारे एसी काम नहीं कर रहा, तो फिर मन्नू को मैंने बोला हम सीधा स्प्लिट एसी लगवाएंगे, जो बिल्कुल सामने ही लग जाएगा बेड के और सामने से ही हमें कूलिंग देगी। बिकॉज ये वाला एसी हमें डायरेक्ट कूलिंग, जो ठंडी हवा आती है वो हमें ठंडी हवा डायरेक्ट नहीं आती, बिकॉज बेड के थोड़ा इस साइड पे है जाके। बट कोई नहीं, जैसा भी होगा आगे अपडेट करते जाएंगे। तो बस गाइस इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं यहीं पे हैं। जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।